21 दिसंबर 2013 की शाम को सूबा ओंटेरियो के जुनूबी हिस्से को लगातार दो बड़े बर्फीली तूफानों का सामना करना पड़ा यह तूफान अपने साथ जमी हुई बर्फ या आइस लेकर आए थे 24 घंटे में तकरीबन 30 सेंटीमीटर आइस गिरी इस आइस का वजन इतना था कि इससे कई दरख्त टूट गए इस तूफान के नतीजे में होने वाली सफाई का खर्चा हालिया तारीख का सबसे बड़ा खर्चा बताया जा रहा है अक्सर गिरने वाले दरख्त बिजली की लाइनों पर गिरे जिससे बिजली की तरसील मुन हुई और जनूबी ओंटरियो में तकरीबन पांच लाख सार्फिन मुतासर हुए बिजली की कंपनियों ने ऐलान जारी किया कि तूफान से मुतासरा तमाम इलाकों तक बिजली दोबारा पहुंचाने में तकरीबन एक हफ्ता लग सकता है इस तूफान से नकलोहमल के तमाम जराये मुतासर हुए सड़कें पैदल रादारियां सब में इंतहा दर्जे की फिसलन थी पुलिस ने आवाम से अपील की कि अशद जरूरत के अलावा सड़कों पर ना निकलें ट्रैफिक इंतहाई आहिस् रफ्तार से चली सड़क के किनारे लगे मुख्तु निशानों की तख्तियों पर जमी बर्फ मौसम की शिद्दत का पता दे रही थी बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ के खोल में दफन हो गई मकामी बस सर्विस मौसम के बायस बंद कर दी गई मकामी हवाई अड्डों पर सैकड़ों जहाजों की परवाजें या तो तखीर से चलें या सिरे से ही मुलतवी कर दी गई तूफान के बाद दर्ज हरारत बतदरीज गिरता गया जिससे जमी हुई बर्फ ना पिघली इसकी वजह से रस्ते मजीद खराब हुए सैयद मुकरम नजीर एमटी इंटरनेशनल जमात न्यूज़ मस्जिद बैतूल इस्लाम ट्रांटो कनाडा।